दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में ई फंड्स ट्यूब में। ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आपको अलग अलग तरीके की जानकारियाँ मिलेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा रुपे कार्ड के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रुपे कार्ड जो होता है वो डोमेस्टिक कार्ड होता है, सिर्फ इंडिया में यूज़ के लिए होता है। चाहे आप उससे जो विड्रॉ करें या तो POS मशीन से जाके आप जो खरीद मतलब कि उसको POS मशीन पर यूज़ करें, किसी जो है शॉप पे जाके ख़रीदारी के लिए या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए, चाहे आप ख़रीदारी करें चाहे उससे जो भी करें, मतलब किसी को आपको पैसे देने हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल बात यह है कि रुपे कार्ड, अब तक आपको पता होगा कि ये जो है डोमेस्टिक कार्ड है। मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है, बल्कि तीनों कार्ड्स के ऊपर, रुपे, वीज़ा और मास्टर कार्ड, तीनों कार्ड्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो उसमें मैंने बताया कि रुपे कार्ड जो होता है वो जो है क्या बोलते हैं कि इंडिया का है, उसको इंडिया की जो है NPCI कंपनी ने बनाया था। मतलब कि ये तो सरकारी कंपनी है तो उनकी तरफ से बनी थी, डोमेस्टिक यूज़ के लिए बनाया गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इसका जो यूज़ बढ़ा दिया गया, अब ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी यूज़ किया जा सकता है ये कार्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो रुपए का कार्ड होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका नाम होता है रुपे ग्लोबल। तो इस वीडियो में मैं रुपे ग्लोबल के बारे में बात करूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर इसके बारे में। तो ये देखिए दोस्तों, जब ये शुरू में आया था रुपे कार्ड जो है, तो ये जो है सिर्फ इंडिया में यूज़ किया जाता था। फिर उसके बाद जो है 2015 से शायद इसको जो है कुछ बाहर की कंपनियों के साथ जो अलायंस मिला, मतलब जो बाहर की कंपनियों से इसने जो एसोसिएट किया, तो उसमें कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे डिस्कवर है, डाइनर्स क्लब है, GCB है, यूनियन पे है और पल्स। तो ये सब जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, तो इनके साथ जो है अलायंस होके एसोसिएट होके इसने जो है अपना जो क्षेत्र था उसको बढ़ा लिया, मतलब जो लिमिट थी इसकी यूज़ की उसको बढ़ा लिया। अब इसको जो है आप बाहर मुल्कों में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मलेशिया मान लीजिए, मतलब बड़े बड़े जितने भी मुल्क हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो है 188 कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है रुपे कार्ड का। इस वीडियो में मैं आपको जो है यही बताने वाला था कि रुपे कार्ड जो है दो तरह के होते हैं, सिर्फ जो है डोमेस्टिक यूज़ के लिए होते हैं और एक जो है ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है दो तरह के कार्ड होते हैं, एक तो क्लासिक हो गया रुपे क्लासिक, और जो दूसरा है रुपे प्लैटिनम। ये इंटरनेशनल लेवल पे दोनों यूज़ किए जाते हैं। अभी जैसा कि मोदी जी का एक वीडियो भी क्या बोलते हैं कि आया तो भाषण दे रहे थे मोदी जी कि रुपे कार्ड जो है अब केवल इंडिया में नहीं बल्कि बाहर देशों में भी यूज़ किया जा सकता है, और बहुत से बाहर देशों में यूज़ किया जा रहा है। उन्होंने खुद मलेशिया का बताया था, तो मैं एग्ज़ाम्पल दिया मैंने मलेशिया का। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं ऐसा कार्ड, ग्लोबल कार्ड अगर आप रुपए का बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए अपनी इंडियन कंपनी। इसमें आपको जो है चार्ज भी कम लगेंगे और जो पैसा रहेगा वो इंडिया को ही, मतलब अपनी भारत सरकार को ही मिलेगा। तो इस वीडियो में मेरा बस यही मैसेज आपसे कि जो लोग वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड यूज़ कर रहे हैं, अगर उनको ज़रूरत है इसकी तो बस यूज़ करें, नहीं तो बेहतर होगा कि आप जो रुपे कार्ड जो है इंटरनेशनल जो यूज़ किया जाता है उसको आप बनवाएं। ये अपनी इंडिया की कंपनी है, बाहर भी इस्तेमाल इसका हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।